दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन इन तीनों में से कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल के अंदर ये समरी बना रखी है और ये समरी जो है इसमें मैंने डाटा लिया है, जैसे कि अभी आप देखेंगे जुलाई मंथ का ये जो चल रहा है, मैंने जून तक का यानी कि पिछले जुलाई 2022 से लेके और मैंने यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया है जून 2023 तक का, यानी अप्रॉक्स मैंने 12 महीने का जो पूरा डाटा है ये कलेक्ट किया है। इसमें आप देखेंगे कि ग्रोस वैल्यू यानी कि अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट इन तीनों का डाटा मैंने इसमें कलेक्ट किया है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ग्रोस वैल्यू, जो ग्रोस वैल्यू होती है यानी कि टोटल जुलाई 2022 के अंदर मुझे अमेजोन में कितने ऑर्डर रिसीव हुए, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू, या वैल्यू से मतलब होता है कि जो सेल वैल्यू मैंने उसमें डाल रखी है और उसी का मैंने GST R1 जो सबमिट किया था इसी बेस पे मैंने सबमिट किया था और ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है GST पोर्टल से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोस वैल्यू जो होती है यानी कि उस महीने में कितनी जो टोटल मेरी अमाउंट है ये और कितना उसमें से सेल हुआ और कितना उसमें से सप्लायर रिटर्न यानी कि उसमें रिटर्न कितनी आती है और नेट वैल्यू कितनी उसमें निकल के आती है। तो ये तीनों के तीनों ऐसे मेरे मेन प्लेटफॉर्म है जिसपे कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता हूँ और सेल आउट करने के साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये तीन प्लेटफॉर्म है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो इसमें मैंने जो अपनी GST पोर्टल से मैंने डाटा लिया है और पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ कहाँ से ये मैंने GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसमें अगर आपको कोई डाटा लेना होता है तो यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाएंगे और इसमें रिटर्न और रिटर्न के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इसमें आपको क्लिक करना है और आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने 2022 का डाटा मैंने कलेक्ट किया है तो 2022 सेलेक्ट करूंगा और 22 के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जुलाई से मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया है। तो जुलाई का डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जुलाई 2022 में अमेजोन का डाटा मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये GST पोर्टल पे गया और जुलाई का मंथ मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो सेकंड ये ऑप्शन है प्रीपेयर ऑनलाइन, ये आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन ये रिकॉर्ड है, इसमें आप देखेंगे अमेजोन है, अमेजोन का डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रोस जो सेल है मेरी वो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे 66,208 रुपये। तो ये जो पोर्टल पे मैंने डाटा उठाया है 66,208.96 रुपये और रिटर्न मेरी कितनी आती है 16,005 रुपये की रिटर्न आ जाती है, नेट वैल्यू निकल के आ जाती है 50,203 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही डाटा मैंने पूरा मंथ वाइज ये अमेजोन का हो गया और ठीक इसी मंथ के अंदर आप अगर मीशो का डाटा लेते हैं तो मीशो के अंदर भी आप देखेंगे 70,000 की जो है इसमें सेल हुई थी, 24,000 का रिटर्न आ गया था और एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 46,000 रुपये। तो ये चीज़ आपकी मीशो के अंदर भी सेम वही चीज़ है, ये फास्टनर टेक्नोलॉजी होती है 70,000 की और 24,000 और नेट वैल्यू यहाँ पे 46,000, ठीक इसी तरह से यहाँ पे फ्लिपकार्ट की है। तो ये सारा का सारा डाटा मैंने मंथ वाइज कलेक्ट किया है और मंथ वाइज कलेक्ट करके मैंने ये समरी यहाँ पे जनरेट की है। तो उसी समरी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मेरी अमेजोन पे जो सेल हुई है यहाँ पर वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्रोस जो यहाँ पे वैल्यू है मेरी, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल जो सेल होती है, सेल का मतलब होता है कि 12 महीने के अंदर जो मैंने इसमें सेल की है 2,77,274 रुपये की मेरी इसमें सेल हुई है, यानी अप्रॉक्स अगर मान के चलूँ तो 2,77,000 की मेरी इसमें सेल होती है और इसमें से 80,000 की मेरी रिटर्न आ जाती है। तो 80,000 की रिटर्न आ जाती है और उसके बाद नेट वैल्यू निकल के आ जाती है 1,96,561 रुपये, यानी कि आप देखेंगे अमेजोन पे मेरी सेल हुई 2,77,000 की, रिटर्न आ गए 80,000 की और इसमें नेट वैल्यू निकल के आ गई 1,96,000 की मेरी इसमें टोटल सेल हुई है, जो कि ये सेल अमाउंट है जो कि GST पोर्टल से मैंने डाटा लिया है। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के अंदर मेरे यहाँ पे टोटल सेल होती है 6,14,627 रुपये की, यानी 6,14,000 की सेल होती है और इसमें से रिटर्न आ जाती है 2,68,000 की, यानी कि आप देखेंगे कि इसके अंदर मेरी रिटर्न 2,68,667 रुपीज़ की जो रिटर्न आ जाती है और इसमें एग्रीगेट जो पूरे साल भर के अंदर निकल के आ जाती है 3,45,960 रुपये जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरी इसके अंदर नेट वैल्यू निकल के आ जाती है। और ठीक इसी तरह से मीशो की अगर मैं बात करता हूँ तो मीशो के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो सेल होती है वो होती है 15,33,497 रुपये, यानी कि 15 लाख की मेरी सेल हो रही है और 15 लाख में से भी आप देखेंगे 7 लाख जो है 7,79,000 यानी कि वो मेरी
अप्रोक्स मतलब 7,80,000 की, मैं मान लेता हूँ कि 7,80,000 की इसमें से रिटर्न आ जाती है, और यहाँ पे नेट अगर मैं निकाल के चलता हूँ तो यहाँ पे 7,54,299 रुपये की मेरी यहाँ पे सेल होती है। तो ये मैंने सेल का डाटा आपको दिखाया है, और इसी डाटा के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है। तो इसकी परसेंटेज, ये डाटा मैंने आपको टोटल दिखा दिया, और यहाँ पे ग्रांड टोटल जो निकल के जाती है कि पूरे साल के अंदर मेरी यहाँ पे 24,25,398 रुपये की मेरी सेल होती है तीन प्लेटफॉर्म पे। तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर मेरी 24,25,000 की सेल हो रही है, इसमें से तीनों प्लेटफॉर्म की अगर मैं रिटर्न को देख लेता हूँ तो रिटर्न मेरी यहाँ पे हो गई है 11,28,578 रुपये की। तो यानी कि आप देखेंगे अगर 24 लाख में से अगर ये 11 लाख की मेरी रिटर्न नहीं होती तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा इसमें होता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 24 लाख में से 11 लाख की मेरी रिटर्न आ जाती है, तो मेरी नेट एग्रीगेट जो सेल होती है वो हो जाती है 12,96,820 रुपए की। तो यहाँ पर बस यही चीज़ होती है कि हर सेलर की एक प्रॉब्लम होती है रिटर्न, अगर रिटर्न जितनी ज़्यादा होती है उसी हिसाब से सेलर का अपना प्रॉफिट इसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका परसेंटेज भी मैंने यहाँ पर इस चार्ट के अंदर निकाला है, और परसेंटेज के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये ग्राफ भी बना रखा है इस तरह से कि अमेज़ोन का क्या ग्राफ है, मीशो का क्या है, फ्लिपकार्ट का क्या है। तो ये मैं अपना रिकन्सिलेशन के लिए मैं अपनी जो है पूरी सीट तैयार कर रहा हूँ, और उसी में से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपको तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर से मैं ये आइडिया दे दूँ कि कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको अपने प्रोडक्ट का सेल आउट करना चाहिए। तो एक साल का ये पूरा डाटा है, और डाटा के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पर अपनी ये दे रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इस जो टेबल मैंने बनाई है इसमें आप देखेंगे कि अमेज़ोन पे जो रिटर्न आती है यानी 29% है, और सेल इसमें होती है 71%, और दोनों को मिला देते हैं तो 100% हो जाता है, यानी अप्रॉक्स 71% की सेल होती है और इसमें से 29% रिटर्न आती है। फ्लिपकार्ट के अंदर आप देखेंगे 44% रिटर्न है 12 महीने की मेरी, और टोटल इसमें से सेल होती है 56%। और मीशो की अगर बात करते हैं तो मीशो में सबसे ज़्यादा रिटर्न है 51%, यानी कि आप देखेंगे मीशो में अगर मेरी 15 लाख की सेल हो रही है तो 15,33,000 की सेल है, 7,80,000 लमसम की मेरी रिटर्न है। तो यानी 50% से भी ज़्यादा मेरी इसमें रिटर्न है। अब रिटर्न में कुछ क्लेम पास हो जाते हैं, कुछ क्लेम पास नहीं होते हैं, तो यहीं पे ये जो आप देखेंगे 49% है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्रायोरिटी देता हूँ कि अमेज़ोन आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट का सेल आउट करें, सेकेंड नंबर पर फ्लिपकार्ट है, और थर्ड नंबर पर मैं देता हूँ यहाँ पर मीशो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों जो प्लेटफॉर्म है इस पर मैं आपको अपनी लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ। तो अमेज़ोन के अंदर मैं अपनी लिस्टिंग दिखा देता हूँ, अप्रॉक्स 200+ मेरी इसके अंदर लिस्टिंग है, मैंने ऑल इन्वेंट्री में दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 266 प्रोडक्ट हैं जो कि मेरी इसके अंदर मैंने लिस्ट किए हुए हैं, और मेरे सारे प्रोडक्ट बेसिकली होम अप्लाइंसेस के रहते हैं। तो यानी कि जो हर घर की जो नीड होती है होम अप्लाइंसेस के मैं प्रोडक्ट इसमें सेल आउट करता हूँ। और फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी मेरी लिस्टिंग आप देखेंगे यहाँ पे 230 लिस्टिंग जो है वो कि एक्टिव है, और ये सारी की सारी होम अप्लाइंसेस की कैटेगरी है। और मीशो की अगर मैं बात करता हूँ तो मीशो पे मैं आपको अपनी इन्वेंट्री अगर दिखाता हूँ तो अप्रॉक्स इसमें 300+ लिस्टिंग मेरी अभी इसमें एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिस्टिंग मेरी कितनी है, 321 ये मेरी लिस्टिंग इसमें एक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा मेरी लिस्टिंग है मीशो के अंदर, और मीशो की ही मैंने यहाँ पे आपको ये पूरी समरी दिखाई है। समरी के बेस पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस तरह की जो ये समरी मैं बना रहा हूँ ये होती है रिकन्सिलेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको बताऊँगा कि अपने जो सेलर के अंदर आपको कोई भी अपना प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है वो आप इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीएसटी पोर्टल से भी आपको डाटा उठाना है, और इसके साथ ही पेमेंट की जो डिटेल होती है आप अपना जो भी सेलर पैनल आपका है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है या अमेज़ोन है, उससे पेमेंट्स की डिटेल भी आपको इसमें से लेके आपको ये समरी बनानी होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा अपना खुद का स्टोर भी है, और भी एक दो मेरे प्लेटफॉर्म है जैसे एट्स पे भी मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता हूँ, जियो मार्ट पे भी मैं करता हूँ, ग्लो रोड पे भी करता हूँ, लेकिन उसका डाटा मैंने इसमें अभी शामिल नहीं किया है क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी तीन प्लेटफॉर्म है, इसी पे मेरे मेन स्टोर चलता है, वही डाटा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैं मेरी तरफ से रिकमेंड होगा कि फर्स्ट नंबर पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाहते हैं तो वो चीज़ अमेज़ोन है, सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट है, थर्ड नंबर पे आपका मीशो है। ये तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की जो भी कैलकुलेशन होती है वो आप इसमें बना सकते हैं, यानी कि ये सीट मैंने अपनी एक बनाई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।